बेंटेन एलियन 4 सीजन 2 की पूरी कंप्लीट ब्रेकडाउन का ये पार्ट 2 है, जहां 6 से 11 एपिसोड तक की कंप्लीट ब्रेकडाउन है चैप्टर वाइज और उसकी आईएमडीबी रेटिंग वाइज भी। बस एक लिटिल रिक्वेस्ट है, एज अ बेंटेन क्रिएटर और आप एज अ बेंटेन फैन, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा और आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, इसी बात पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है, हम देखते हैं चांदनी रात में फॉरएवर नाइट्स अपने उस ड्रैगन को खोने की बात को लेकर कह रहा था, हम चुप रहने वालों में से नहीं है, उसके घर जाके मारेंगे और हमने उसके लिए बनाई है एक स्टारशिप जो कि एलियन टेक्नोलॉजी से लैस है और चूंकि इसे कोई इंसान ऑपरेट नहीं कर सकता तो उसका भी इंतजाम है मेरे पास। इतना बोल के वो गैल्विन मेकामॉर्फ की कुछ तस्वीरें दिखाता है जिसको हमने सीजन 1 के इस एपिसोड में देखा था। तभी एक नाइट कहता है, वो चूहा आपके लिए मैं पकड़ के लाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है जूली के घर, जहां सिप जूली को मिलने आता है। जूली उसको देख के कहती है, तुम कहां चले गए थे सिप, इतने दिनों बाद आए हो, चलो कुछ बन के दिखाओ। सिप तरह तरह के शेप लेने लगता है, फिर वो एक सबमरीन बन जाता है। जूली कहती है, ओके अब वापस आ जाओ। वो देखती है कि ये गार्डन तो तहस नहस हो जाता है। तभी ग्वेन और केविन आते हैं, जूली उनके साथ शॉपिंग पे निकल जाती है। सिप भी केविन के कार के पार्ट्स पे जाके बैठ जाता है। केविन पूछता है, वैसे बेन कहाँ है जूली? जूली कहती है, मैंने बोला था आने को पर उसने बोला मुझे होमवर्क करना है। केविन कहता है, सैटरडे को होमवर्क? इधर बेन बैठ के मस्त टीवी प्रोग्राम देख रहा होता है पॉपकॉर्न खाते खाते। और ले आता हूँ। सभी जा रहे होते हैं रास्ते में, तभी केविन की कार पे अटैक होता है। ये वही नाइट होता है, केविन गाड़ी को साइड में लगाता है। जूली पूछती है, वो हम पे हमला क्यों कर रहा है? ग्वेन कहती है, पता नहीं पर जल्द पता चल जाएगा। केविन उसको रोकने की कोशिश करता है और ग्वेन बेन को कॉल लगाती है, बेन जल्दी पहुँचो एवेन्यू हॉल के आगे वाले मोड़ पर, जल्दी। इधर वो नाइट केविन को लेजर से गिरा देता है और केविन के कार पे एक शॉक देता है जिससे सिर्फ बाहर आ जाता है। फिर वो उसे पकड़ के लेके जाने लगता है। रास्ते में वो बेन से भी मिलता है, पर बेन को क्या पता था कि ये कौन है। बेन नीचे आता है और पूछता है, ये सब क्या हुआ? केविन कहता है कि एक नालायक नाइट आके मेरी कार को बिगाड़ दिया। जूली कहती है, और वो मेरे पेट को भी उठा ले गया। बेन पूछता है, तुम्हारे पास कौन सा पेट है? जूली कहती है कि सिप, उस दिन के बाद से वो अक्सर मेरे पास आता जाता था, हम साथ में खेलते भी थे। बेन कहता है, तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया। जूली कहती है कि क्योंकि तुमने मना किया था कि सिप में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेन पूछता है, पर फॉरएवर नाइट्स को एक गैल्विन मेकामॉर्फ क्यों चाहिए भला? केविन कहता है, समझा करो बेन, वो उसे एज अ वेपन इस्तेमाल करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज पे उसका कंट्रोल हो सकता है। इधर केविन कार को टो करा के गैराज लाता है और फिर उसे ठीक कर रहा होता है। ग्वेन सिप को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है पर वो उसे नहीं ढूंढ पाती। बेन कहता है, कोई तो रास्ता होगा उसे ढूंढने का। जूली एक इश्तेहार दिखाते हुए कहती है कि नाइट को नया कैसल चाहिए था ना, ये देखो ये कैसा रहेगा, ये हाल ही में प्रिंट हुआ है, हमें वहाँ जाके देखना चाहिए। बेन कहता है, नहीं तुम यहीं रुकोगी। जूली कहती है, सिप मेरा पेट है और मैं जाना चाहती हूँ, रोक सको तो रोक लो। इतना बोल के वो कार में जाके बैठ जाती है। इधर हम देखते हैं वो मेकामॉर्फ जिसे एक एनर्जी फील्ड में पकड़ रखा था, फिर वो डॉक्टर उसमें एक चिप इंजेक्ट करते हुए कहता है, अब से तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। सिप का कलर भी बदल जाता है। केविन की कार से सब निकलते हैं। बेन कहता है, जूली जिसे तुम अपना पेट कह रही हो वो कोई पपी नहीं है, तुम नहीं जानती वो कितना खतरनाक हो सकता है। जूली कहती है, मैं जानती हूँ लेकिन तुम शायद नहीं जान रहे, इसलिए उस मासूम को इतना खतरनाक बता रहे हो, शायद इसलिए कि तुम मेरे पे भरोसा नहीं करते। बेन कहता है, इसमें भरोसा कहाँ से आ गया। केविन और ग्वेन उनकी तरफ देख रहे होते हैं तो बेन कहता है, हम बाद में बात करें। फिर वो सब कैसल पहुँचते हैं जहाँ, क्या देख रहे हो, प्यास लगी थी मुझे। फिर वो आगे जाते हैं जहाँ फॉरएवर नाइट्स उन्हें घेर लेते हैं। फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है, बेन के हीरो बनने का टाइम ही नहीं मिलता। जूली भी एक गन उठा के पीटना स्टार्ट कर देती है। ग्वेन कहती है, अच्छा शॉट था। जूली कहती है, हाँ बचपन से टेनिस जो खेलती आई हूँ। जब तक बेन हीरो बनता तब तक ग्वेन सबको निपटा देती है। फिर सब नीचे आते हैं जहाँ वो फॉरएवर नाइट्स का साइंटिस्ट होता है। बेन पूछता है, कौन हो तुम? नाइट कहता है, डॉक्टर जोसेफ चैडविक, फॉरएवर नाइट का डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, और तुम सब वही लोग हो ना जो हमसे हमारे जानी दुश्मन ड्रैगन को भागने दिया। बेन कहता है कि वो बस अपने घर जाना चाहता था। जूली पूछती है, सिप कहाँ है? तभी वो अपना स्पेसशिप दिखाता है जिसमें मेकामॉर्फ कंबाइन हो गया होता है और कहता है, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रही। केविन उस स्पेसशिप के इक्विपमेंट्स को देख के कहता है कि ये तो एलियन टेक्नोलॉजी का चलता फिरता शोरूम है, चुटकियों में हम सबको राह कर सकता है। डॉक्टर जोसेफ ऑर्डर देता है और सिप उन सब पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है। सब उसकी लेजर से बच के भाग रहे होते हैं। ग्वेन उसकी लेजर को रोकने की कोशिश करती है पर वो काफी तेज से आके लगती है जिससे कि ग्वेन नीचे गिर जाती है। बेन स्वॉर्म फायर बनता है। केविन कहता है, खत्म कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो। जूली कहती है, नहीं बेन रुको, वो सिप है।
बेन बीच में आग के लपटे लगा देता है जिससे कि वो कुछ देख नहीं पाते और केविन ग्वेन को लेके पीछे आ जाता है। केविन कहता है ये क्या किया तुमने? बेन कहता है तुम दोनों की सुनी। डॉक्टर जोसेफ कहता है पर हम किसी की नहीं सुनेंगे, फायर करो सिप, आगे बढ़ो। सिप आग को बुझा देता है और आगे बढ़ता है और सभी पे अपने लेजर्स को पॉइंट कर देता है। डॉक्टर जोसेफ कहता है कि ये पूरे मेरे कंट्रोल में है, अब चुटकियों में तुम सब राख होने वाले हो। बेन कहता है ये तो वही सीरियल की तरह है जो मैं देख रहा था, ब्रेन स्टीलर्स फ्रॉम आउटर स्पेस। जूली कहती है मुझे लगा तुम होमवर्क कर रहे थे। बेन कहता है हम इस बारे में बाद में बात करें। तभी जूली आगे बढ़ती है और कहती है सिप रुक जाओ, मैं हूँ जूली, तुम मेरे दोस्त हो सिप, ना कोई मॉन्स्टर ना ही कोई कातिल, तुम्हें इसका ऑर्डर सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इधर डॉक्टर जोसेफ कहता है फायर करो, ये मेरा ऑर्डर है। तभी उसकी वो चिप टूट जाती है और सिप वापस से अपने असली रूप में आ जाता है। बेन पूछता है कैसे जाना ये प्यार से मान जाएगा। जूली कहती है तुम अकेले नहीं हो जो सीरियल देखते हो। तभी फॉरएवर नाइट्स उन्हें घेर लेते हैं, सिप ये देख के फिर से स्पेसशिप बन जाता है और उन सब पे लेजर पॉइंट कर देता है। डॉक्टर जोसेफ कहते हैं ओ, आप अपने सोल्जर से कहेंगे कि वो अपने हथियार नीचे रखे, पर वो नाइट्स कहता है कि या तो हम लड़ेंगे या मरेंगे। केविन कहता है कि हमारी जान अभी भी खतरे में है। तभी सिप नीचे आता है और सब सिप पे चढ़ने लगते हैं। बेन एक टैंकर पे फायर करता है जिससे ब्लास्ट होने लगता है, सिप सभी को लेके उड़ने लगता है। इधर वो कैसल पूरी तरह से तबाह हो जाता है। बेन कहता है शाबाश सिप अब घर ले चलो। सिप घर जाके सबको उतारता है और वापस से अपने असली रूप में आ जाता है। केविन कहता है कूल, तो अब हमारा अपना स्पेसशिप भी है। जूली कहती है हमारा नहीं मेरा। बेन कहता है कि हाँ जरूरत पड़ेगी तो उधार तो ले सकते हैं ना। जूली कहती है हाँ अगर मेरी मदद करोगे तो, इसके देखभाल में, इसके साथ खेलने में। बेन कहता है ओके सिप जाओ एक बॉल लेके आओ फिर हम कैच कैच खेलेंगे। तभी तुम्हारा बाहर जाना बंद। क्या क्या काम है आपको, कान से भी कम सुनने लगे हो, जाओ अपने कमरे में। स्टोरी शुरू होती है, हम देखते हैं बेन के मॉम डैड बेन की तारीफ करते जा रहे थे, कितना अच्छा है, हमारी हर बात मानता है। बेन के डैड कहते हैं जरूर यह हमारे पिछले कर्मों का ही फल होगा जो हमें बेन टेनिसन जैसा बेटा मिला। तभी उनके सामने एक ब्लास्ट होता है, वो बाहर निकल के देखते हैं तो वहाँ होता है एक हाइब्रिड जिससे बेन की टीम लड़ रही थी। दोनों एक साइड जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी वो बेन को देखते हैं जो हाइब्रिड की तरफ बढ़ रहा होता है। उसके डैड कहते हैं रुको बेटा वहाँ मत जाओ। तभी देखते देखते बेन स्वॉर्म फायर में बदल जाता है और उस हाइब्रिड से लड़ने लगता है। उसके मॉम डैड देख के हैरान थे। इधर हाइब्रिड कहता है मेरे हर काम में तुम लोग टांग अड़ा देते हो, ये जानते हुए भी कि मेरी ताकत के आगे तुम लोग कुछ नहीं हो। तभी बेन हाइब्रिड को एक लात देता है जिससे वो दूर जा गिरता है। बेन पूछता है क्यों मुझे देख के हैरान हो। केविन कहता है नहीं ये जानकर खुशी हुई कि तुम नाइट शिफ्ट भी कर रहे हो। तभी वो हाइब्रिड एक पोल उखाड़ के बेन को एक खींच के लगाता है जिससे कि बेन नीचे गिर जाता है। हाइब्रिड उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है पर ग्वेन बिल्डिंग का एक टुकड़ा गिरा देती है जिससे हाइब्रिड दब जाता है। हाइब्रिड उठ के कहता है वैसे ही तुमने मेरा बहुत वक्त जाया कर दिया, इतना बोल के वो वहां से चला जाता है। बेन को होश आता है, केविन कहता है ओह चश्मे बद्दूर हाइब्रिड ने तुम्हें एक निशानी दे दी। ग्वेन पूछती है ये मॉम डैड को कैसे बताओगे। बेन कहता है संभाल लूंगा, वो मेरी हर बात मान लेते हैं, कोई भी बहाना चलेगा। बेन इधर घर आ जाता है। मम्मी मैं आ गया, बड़ी भूख लगी है। बेन की मॉम पूछती है सच सच बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो। बेन कहता है वो मैं पिक्चर देखने गया था जूली के साथ, सॉरी मैं आप सबको नहीं बता पाया। और ये चोट कैसे लगी, थोड़ी ऊपर होती तो आंख ही नहीं बचता तुम्हारा। बेन कहता है कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई थी, उन्हें बात करने की तमीज ही नहीं थी। बेन के डैड कहते हैं कि बेन ठीक से याद है ना कि वो लड़के ही थे ना कि कोई एक बड़ा भयानक एलियन। बेन कहता है नहीं आपने किसी और को देखा होगा। उसके डैड कहते हैं हमने तुम्हें देखा है वो चीज बनते हुए। और इस चीज से बेन सब कुछ बताता है कि मैं बचपन से अलग अलग एलियंस का रूप लेता हूँ इसकी मदद से, और वो एलियंस मेरी मदद करते हैं अर्थ को बचाने में। उसके डैड पूछते हैं और तुम इन सब चीजों में कब से हो। बेन कहता है 5 साल पहले से, जब हम ग्रैंडपा मैक्स के साथ वेकेशन पे गए थे। उसके डैड कहते हैं ओह डैड मुझे पता था ये सब उन्हीं की करनी है, चलो अभी के अभी इस चीज को उतार फेंको। बेन कहता है ये नामुमकिन है, ये मेरे से जुड़ गई है, अलग ही नहीं होती। उसके डैड कहते हैं कि मैं अभी अलग कर देता हूँ। इतना बोल के वो अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं ओमनीट्रिक्स को निकालने के लिए, पर उस पे एक खड़ोस तक नहीं आती। उसके डैड कहते हैं कोई बात नहीं बेन टेनिसन, आज से तुम इसका यूज नहीं करोगे, ये मेरा ऑर्डर है। बेन कहता है पर डैड कहा ना ये मेरा ऑर्डर है। तभी बेन को केविन का कॉल आता है। बेन कहता है अभी मैं बात नहीं कर सकता। ग्वेन और केविन खुफिया जानकारी लेने आए हुए होते हैं कि एलियन शिप से क्या इम्पोर्ट कर रहे हैं। तभी वहाँ डीएनए एलियंस आ जाते हैं, केविन और ग्वेन उनसे भिड़ जाते हैं। केविन फिर बेन को कॉल लगाता है और कहता है हम मुसीबत में हैं,
बेन कहता है, तुम क्या मुसीबत में हो, यहाँ मॉम डैड को मेरी ऑमनीट्रिक्स के बारे में पता चल गया है और अब मेरा हीरो बनना बंद। केविन कहता है, ओह बेचारा बेन, तो मॉम डैड तुमसे नाराज है, पर हमारी प्रॉब्लम उनसे भी बड़ी है क्योंकि डीएनए एजेंट्स हम पे भारी पड़ रहे हैं। बेन कहता है, ओके अभी आता हूँ। बेन कहता है, मॉम मैं ग्वेन को एक प्रोजेक्ट में मदद करके आ रहा हूँ। मॉम कहती है, जल्दी आना। बेन घर के पीछे जाके एको बनता है, तभी उसके मॉम डैड उसे देख लेते हैं। बेन की मॉम कहती है, इतना आसान नहीं है हमें चकमा देना, आखिर हम भी कभी तुम्हारे उम्र के थे। उसके डैड कहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या सजा दूं। उसकी मॉम कहती है, मुझे पता है मिस्टर बेंजामिन टेनिसन, आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद। क्या? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं एक सुपर पावर एलियन। और मैं एक सुपर पावर एलियन की मम्मी हूँ, जितना बोल उतना करो वरना वो करूंगी जो आज तक नहीं की, तुम्हारी पिटाई। बेन एको बने अपने रूम में बैठा होता है, तभी ग्वेन का कॉल आता है। कहती है, पहुंचे क्यों नहीं, पूरा डीएन एलियंस का झुंड हमारे पीछे पड़ा हुआ है। बेन कहता है, ओके फोन उनकी तरफ करो। बेन फोन पे सोनिक साउंड निकालता है जिससे डीएन एलियंस भाग जाते हैं। तभी उसकी मॉम फोन ले लेती है। ग्वेन कहती है, लगता है बेन से उसका फोन छीनने वाला है। बेन की मॉम कहती है, बेटा कहीं तुम गलत संगत में तो नहीं पड़ गए। बेन कहता है, नहीं मॉम वो मेरे दोस्त हैं बस। उसके डैड कहते हैं, तो ये तुम्हें कूल लगता है एलियंस बनना, घर से भागना और अपने मॉम डैड से झूठ बोलना। बेन की मॉम पूछती है, बताओ तुम्हारे दोस्त कौन है, मैं भी तो जरा जानूं। बेन कहता है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। फिर इधर बेन को ग्वेन का कॉल आता है, तुमने उन्हें क्यों बता दिया डरपोक, विलगेक्स से लड़ते समय भी तुम इतना नहीं डरे थे। बेन कहता है, विलगेक्स मम्मी की तरह आंख नहीं दिखाता था। बेन कहता है, सॉरी। ग्वेन कहती है, तुम सॉरी कहते रहो और यहाँ मेरा बाहर जाना बंद, बैठे बैठे सोच रही हूँ कि हाइब्रिड और उस शिप का क्या राज है। बेन कहता है, फिक्र मत करो, केविन गया है वहाँ, सब पता लगा के आएगा। इधर केविन हाइब्रिड की शिप पे छुपते छुपाते आता है, जहाँ उसे किसी चीज की बदबू आती है। नीचे देखते हुए कहता है, शायद इसी चीज का मुझे पता लगाना है। फिर वो उसका सैंपल लेने के लिए नीचे झुकता है, पर उसी में गिर जाता है और ऊपर नहीं आ पाता। फिर केविन बेन को कॉल लगाता है। बेन कहता है, अभी कॉल क्यों किए। केविन कहता है, तो क्या करूं, मरने के बाद कॉल करूं, एक दलदल में फंसा हुआ हूं और ऊपर नहीं आ पा रहा, ऊपर से ये डीएन एलियंस। बेन कहता है, किसी चीज को सोखो और वहां से निकलो, रुको ग्वेन को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूं। बेन के डैड कहते हैं, बेन फौरन फोन को नीचे रखो और खाना खत्म करो। बेन कहता है, अभी आता हूं। केविन कहता है, किसकी ताकत सोखूं, इस बदबू की। बेन कहता है, तुम्हारा फोन कौन से मटेरियल का है। केविन कहता है, ओ हाँ टाइटेनियम। केविन फिर दीवार को फोड़ के नीचे आ जाता है। ग्वेन बताती है कि मुझे पता लग गया है कि ये लोग क्या चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, बैड गुआनो। बेन पूछता है कि ग्वेन ये सिप कितना माल ढो सकती है। ग्वेन बताती है, करीब 50,000 टन। केविन कहता है, हे दोस्तों यहाँ सीन चेंज हो रहा है। तभी बेन की मॉम आके उसका फोन ले लेती है और कहती है, नहीं खाना तो अपने रूम में जाओ। बेन कहता है, आखिर आप लोग मेरे से चाहते क्या है। बेन अपने रूम में आता है और केविन वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होता है और वहाँ का सीन दिखाते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बेन उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे निकलोगे। केविन कहता है, वाओ तुम तो एक अच्छा पीटी टीचर बन सकते हो। तभी हाइब्रिड केविन को पकड़ लेता है। केविन कहता है, बेन अब तो लगता है तुम्हें आना ही पड़ेगा। इधर डैड उसका प्लग निकाल देते हैं। बेन कहता है, ये क्या किए। उसके डैड कहते हैं, वही जो तुम देख रहे हो। बेन कहता है कि मेरा दोस्त मुसीबत में है। बेन की मॉम कहती है, बस अब ना ही तुम कहीं बाहर जाओगे, ना ही किसी से बात करोगे, ना ही SMS और ना ही एलियन बनने की कोशिश करोगे। बेन कहता है, तो मैं क्या करूं। उसके डैड कहते हैं, बस तुम यहाँ मुंह बंद करके बैठो। बेन कहता है, वहाँ उसकी जान भी जा सकती है। उसके डैड कहते हैं कि अगर हमें किसी की जान की फिक्र है तो वो हो तुम। बेन कहता है, मैं जानता हूँ आप भी सब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं लकी हूँ जिन्हें आप जैसे मॉम डैड मिले, और आपने ही सिखाया है कि जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और आपने की भी है, और मैं आज उस मुकाम पे हूँ जहाँ किसी की मदद कर सकता हूँ, तो आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते, कभी नहीं। आप भले ही मुझे कठोर से कठोर सजा दे, पर मेरे आने के बाद। इतना बोल के वो ह्यूमंगस बन के वहां से चला जाता है। बेन की मॉम कहती है, हमारा बेटा हमारी बात नहीं मान रहा, इसका मतलब समझते हो आप। बेन के डैड कहते हैं कि हाँ हमें उसकी बात माननी चाहिए थी। इधर बेन हाइब्रिड के उस शिप पे आता है और उन डीएन एलियंस को मारते हुए कहता है, तुम सब मुझसे ना ही उलझो तो बेहतर है, आज मूड ठीक नहीं है। इधर हाइब्रिड केविन को मारने वाला होता है तो बेन एक डीएन एलियन को फेंक के मारता है और केविन को बचाता है और बताता है कि ये सभी डीएन एलियंस इस आइसोटोप की इम्प्योरिटीज को निकाल रहे हैं, जिससे कि ये एक बहुत बढ़िया पावर सोर्स की तरह काम करेगा। केविन कहता है, वाह काफी रिसर्च किए हो। बेन कहता है, ग्वेन की है, पर सवाल ये है केविन की पावर सोर्स किस चीज का। इस पर वो हाइब्रिड कहता है कि वो एक सरप्राइज है इंसानों के लिए। इतना बोल के हाइब्रिड भिड़ जाता है।
सभी एक दूसरे को पीटते हैं, पर एक जगह जाके हाइब्रिड बेन की गर्दन को पकड़ लेता है और लिफ्ट के बीच में रखते हुए कहता है गुड बाय टेनिसन। तभी बजूका से एक हिट देते हुए बेन के मॉम डैड आते हैं, जिससे वो हाइब्रिड दूर जाके गिरता है। बेन कहता है मॉम डैड आप सबको यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हमेशा लगता है लेकिन आज। केविन कहता है पर ये डीएन एलियंस। तभी बजूका उनकी तरफ करते हैं जिससे वो डीएन एलियंस भाग जाते हैं। केविन कहता है वैसे गन तो सॉलिड है अंकल। बेन पूछता है हाँ पापा कहाँ से मिली। बेन के डैड बताते हैं कि ये तुम्हारे ग्रैंडपा के सामानों में थी। बेन कहता है सॉरी मैंने आप सब की बात नहीं मानी। बेन की मॉम कहती हैं कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया बेटे, दोस्त मुसीबत में था और तुमने मदद की। तभी वह हाइब्रिड आता है, बेन के डैड फायर करते हैं पर उसमें गोली नहीं होती। बेन कहता है ये देंगे डैड। गुड शॉट। फिर उनका शिप केविन ब्लास्ट करके आता है। बेन पूछता है हे हाइब्रिड का क्या हुआ। केविन कहता है वो भाग निकला। बेन कहता है देखिए मम्मी मेरा दोस्त इतना भी बुरा नहीं है। फिर सब घर आते हैं। बेन के मॉम डैड उसे उसका फोन दे देते हैं और साथ ही एलियन बनने की परमिशन और कहते हैं हमें तुम पे नाज है बेटे। तो जल्दी करो हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इसीलिए मैं वहाँ अकेला ही जाऊँगा। डॉक्टर एनिमो तो मैं पूछूँ या आप खुद बताएंगे। स्टोरी शुरू होती है। बेन पूछता है अब बताओ विग्वेन वो मैसेज क्या है। ग्वेन कहती है केविन को भी आने दो, मैं एक ही बात दो जन को दो बार नहीं बता सकती। बेन कहता है अगर कोई ईमेल है तो लाओ मैं पढ़ लेता हूँ। ग्वेन कहती है नहीं वो मुझे टेलीपैथी के जरिए मिला है। तभी ग्वेन मैसेज दिखाती है जिसमें हेलेन नलवर्ड से हेल्प मांग रही होती है। अगर आपको नहीं पता कि ये नलवर्ड में कैसे गए और क्यों गए तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। ग्वेन कहती है कि उन्हें हमारी मदद चाहिए। केविन कहता है तो किसने कहा था उन्हें जाने को। ग्वेन कहती है मैं तो जा रही हूँ। बेन कहता है तुम नहीं जाओगी। ग्वेन कहती है बेन तुमने सुना नहीं उन्हें मदद की जरूरत है। बेन कहता है कि हाँ मैंने सुना इसलिए वहाँ मैं जाऊँगा। केविन बेन को हाईटेक प्लमर केबल से बांध देता है और ग्वेन कहती है मैं अपने पावर से टेम्पररी रास्ता बना पाऊंगी। बेन अंदर पहुंचता है तो कहता है ये तो पॉकेट डायमेंशन जैसा लगता है। तभी एक मॉन्स्टर एक जीव को लेकर जा रहा होता है और वो जीव हेल्पर्स हेल्पर्स चिल्ला रहा था। बेन केबल में पत्थर लगा के मारता है और उससे दो पत्थरों के बीच में ले जाके फंसा देता है। फिर वो उस जीव के पास आता है तो वो कहता है चलो चले हेल्पर्स, वो नल गार्डियन पूरी फौज के साथ आएगा। तुम रेंज को खबर दे दो, एक वही है जो हमें डिवॉइड से बचा सकते हैं। बेन कहता है एक मिनट रुको जरा, ये रेंज कौन है और हेल्पर्स क्या हैं? वो कहता है तुम हेल्पर नहीं हो। कोई बात नहीं तुम जो भी हो पर तुम्हें रेंज के बारे में तो पता होना ही चाहिए क्योंकि वही है जो हमें डिवॉइड के नल गार्डियन से बचा सकते हैं। बेन कहता है तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ ढेर सारे गार्डियंस आ जाते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। बेन ऑमनिट्रिक्स का यूज करने जाता है तभी वहाँ हेलेन और मैनी आ जाते हैं। बेन कहता है चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, मुझे कस के पकड़ो। हेलेन कहती है बेन हम ऐसे नहीं जा सकते। तभी वहाँ डिवॉइड की आवाज आती है बेन अभी तुम डिवॉइड के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम जाओ हम इसे संभालते हैं। बेन कहता है नहीं हेलेन हम मिलके उसे हरा देंगे। हेलेन और मैनी नल गार्डियंस से लड़ रहे होते हैं पर इधर बेन का केबल फंस जाता है। तभी वहाँ डिवॉइड आ जाता है, मैंने उसके पे गन से फायर करता है पर उसका कोई असर नहीं होता। बेन देख के कहता है कि डॉक्टर एनिमो ये डिवॉइड है। तभी वो मैनी और हेलेन को पकड़ लेता है। इधर केबल ढीला हो जाता है तो केविन केबल को खींचने लगता है पर वो टूटा हुआ आता है। इधर डिवॉइड कहता है फौरन बताओ तुम्हारा लीडर रेंज कहाँ है। मैनी कहता है कि हमारी जान भी ले लोगे फिर भी हम नहीं बताएंगे। डिवॉइड उसे उठा के दूर फेंक देता है जिससे नल गार्डियन उसे खाने के लिए दौड़ते हैं पर वहाँ जाके उन्हें एक तगड़ा शॉक लगता है जिससे नल गार्डियन दूर भाग जाते हैं। डिवॉइड कहता है किसकी इतनी हिम्मत। ये बाबा आदम के जमाने के डायलॉग बोलना बंद करो डिवॉइड, इससे अब डर नहीं लगता। डिवॉइड या मैं तुम्हें डॉक्टर एनिमो कहूँ। डिवॉइड कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला हेल्पर। बेन इस पर उससे एक तगड़ा झटका देता है पर उसका डिवॉइड पे कुछ खास असर नहीं पड़ा। बेन कहता है यकीन नहीं होता ये अभी भी होशो हवास में है। हेलेन कहती है तो यकीन कर लो और चलो यहाँ से। इतना बोल के हेलेन सभी को लेके भाग जाती है। डॉक्टर एनिमो कहता है उस हेल्पर को मेरा नाम कैसे पता चला, उसके तो अब दिन भर गए। इधर नल गार्डियंस आके कुछ सामान और दो बच्चों को उठा के लेके जा रहे थे जिनके घर पे बेन हेलेन और मैनी ठहरे थे। बेन कहता है चलो उनकी मदद करते हैं। मैनी रोकते हुए कहता है कि डिवॉइड से उलझना आसान नहीं है। बेन कहता है कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ, अच्छे से बताओगे। वो एलियन बताता है कि बरसों पहले गैल्विन ने एक पॉकेट डायमेंशन बनाई थी जिससे वो यूनिवर्स के क्रिमिनलों को सजा के तौर पे यहाँ भेज सके। मेरे पूर्वज बरसों से यहाँ खेती करते थे पर धीरे धीरे पूरी दुनिया को इस जेल के बारे में पता चल गया और वो सब भी अपने क्रिमिनल्स को यहाँ भेजने लगे। खतरा बढ़ता देख गैल्विन ने नल गार्डियंस को भेजा जो यहाँ के सिपाही की तरह काम करते थे, पर तभी यहाँ आया डिवॉइड जिसने पता नहीं कैसे नल गार्डियन को अपने गुलाम बना लिया और यहाँ का मालिक बन बैठा और अब हरेक को अपने कोर माइंड्स की खदानों में काम करवाना चाहता है।
बेन कहता है इस डिवॉइड से मेरा सामना पहले भी हुआ है मेरी दुनिया में। ये डॉक्टर एनिमो था जो जानवरों को काबू करना जानता था और शायद इसीलिए इसने नल गार्डियंस को भी अपने वश में कर रखा है। लेकिन यहाँ का डिवॉइड अर्थ के डॉक्टर एनिमो से कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, मैंने तो इसे हराया भी है। मैंने कहता है तो चलो फिर अर्थ चल के हथियार लाते हैं और इस डिवॉइड का किस्सा यहीं खत्म कर देते हैं। बेन कहता है अब ये मुमकिन नहीं है, मैं भी अब यहाँ फंस गया हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने कहता है भाई वाह, क्या खूब मदद बुलाई हो हेलेन, जिसे खुद मदद की जरूरत है। हेलेन कहती है ये डिवॉइड से लड़ चुका है, वो तजुर्बा काम आएगा और वैसे भी आगे का फैसला हम नहीं करेंगे। इतना बोल के वो सब रेंज के पास आते हैं। रास्ते में उन्हें पियर्स मिलता है, हेलेन का भाई। वो कहता है कि अगर रेंज से मिलना है तो इस दीवार को पार करो, हो सकता है तुम कोई डिवॉइड का जासूस हो। बेन पियर्स से कहता है पर ये तो नाइंसाफी है, तुम काटो की दुकान और मेरे पास सूखी लकड़ी नहीं। तभी पियर्स उसे एक डंडा दे देता है, फिर दोनों भिड़ जाते हैं। काफी देर तक टिके रहने के बाद बेन हार जाता है। पियर्स कहता है अच्छा टिके रहे, अगर डिवॉइड का जासूस होता तो कब का धूल चाट चुका होता। फिर बेन को वो रेंज के पास ले जाता है और कहता है सुनो अगर वो कुछ खाने को दे तो मत लेना। बेन अंदर जाता है तो ये ग्रैंडपा मैक्स होते हैं। बेन कहता है मैं पूछूं या आप खुद बताएंगे। ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि जब मैंने हैंड ग्रेनेड यूज किया था तो उस धमाके से मुझे कुछ नहीं हुआ, जबकि मैं सीधे यहाँ आ गया और जब मैं यहाँ आके देखा कि डिवॉइड कैसे आतंक मचा रखा है तो सोचा कि यहाँ की बिगड़ी जिंदगी को रेंच से कस सकूं। बेन कहता है वाह ग्रैंडपा, इसलिए आप रेंच और ये सब हेल्पर्स प्लमर हेल्पर्स। पर नल वॉइड जल्द ही खत्म होने वाला है। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं पियर्स अपनी टीम बुलाओ। फिर ग्रैंडपा मैक्स क्रोमाइट दिखाते हुए कहते हैं कि तुम सब डिवॉइड का मकसद नहीं जानते, वो इस क्रोमाइट को क्यों निकलवा रहा है। वो इसे भट्टी में जलाता है जिससे उसकी ये मशीन दो डायमेंशन के बीच रास्ता बनाएगी, जिससे वो यहाँ से निकलकर नल गार्डियंस के साथ अर्थ पे अटैक कर सके। पियर्स कहता है कि हमें उसके किले पे चारों तरफ से अटैक करना होगा। बेन उस होलोग्राम को देख के कहता है बाहर से क्यों, जब हम अंदर से हमला कर सकते हैं। फिर सब उस सामान के बीच में बैठ जाते हैं जो नल गार्डियंस अंदर किले में ले जाते हैं। फिर सब निकल के एक साथ हमला कर देते हैं। बेन क्रोमास्टोन बनता है और नल गार्डियंस की सफाई करना स्टार्ट कर देता है। इधर पियर्स हेलेन और मैनी सब लड़ रहे थे। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं बेन पियर्स मेरे साथ आओ, हमें उस ड्रिलिंग मशीन को रोकना है। तभी वहाँ डिवॉइड आ जाता है। बेन उस पे फायर करता है पर क्रोमास्टोन का उस पे कोई असर नहीं होता। डिवॉइड कहता है मैक्स टेनिसन तो तुम ही हो रेंज और साथ में बेन भी, तुमसे तो मुझे अपना पुराना हिसाब भी बराबर करना है। बेन फिर ह्यूमंगसर बनके उसे पैरों से दबा देता है पर डॉक्टर एनिमो उसे उठा के फेंक देता है और कहता है तुम्हारा कोई भी एलियन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर बेन ब्रेनस्टॉर्म बनता है और उसे बिजली का झटका देता है पर उससे भी कुछ नहीं होता। डिवॉइड उसके पास आके उसे एक लात मार देता है। ग्रैंडपा कहते हैं बेन स्वॉर्म फायर से ट्राई करो। बेन कहता है उससे भी कुछ नहीं होगा ग्रैंडपा, अभी मैं डॉक्टर एनिमो से किले के बाहर भिड़ा था तो ब्रेनस्टॉर्म उसे रोक पाया था पर अभी यहां तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। तभी बेन को एक आइडिया आता है, वो ग्रैंडपा को डटे रहने को कहता है और उस भट्टी की तरफ जाके बोलता है कि ये भट्टी ना सिर्फ ड्रिलिंग का काम करती है बल्कि ये डिवॉइड को भी ताकत दे रही है, लेकिन इसका इलाज है मेरे पास। इतना बोल के वो भट्टी में चला जाता है और अंदर बिकचिल बनता है और पूरी भट्टी को अंदर से जमाना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर में भट्टी जम जाती है और बेन फिर ऊपर आता है। नल गार्डियंस भी वहां से भाग जाते हैं। इधर डॉक्टर एनिमो ग्रैंडपा की तरफ बढ़ता है पर ग्रैंडपा उसे एक पंच देते हैं जिससे वो दूर जाके गिरता है। बेन कहता है धमाकेदार तमाचे थे। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ भाई खाते पीते घर का हूँ। मैक्स कहते हैं पियर्स डिवॉइड को तुम ठिकाने लगाओ, हेलेन और मैनी सभी को खदान से सही सलामत बाहर निकालो। तभी ग्वेन अपने एनर्जी से एक रास्ता बनाती है और पूछती है बेन तुम ठीक तो हो ना। बेन कहता है जरा ये देखो कौन है। ग्वेन कहती है ग्रैंडपा जल्दी आइए, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं ओपन कर पाऊंगी। बेन कहता है आप तैयार है ग्रैंडपा, हेल्पर्स चलो चलें। ग्रैंडपा कहते हैं नहीं बेन मैं नहीं आ सकता, मेरा यहाँ बहुत काम अभी बाकी है, सब कुछ पहले जैसा करना है। तुम जाओ वहाँ अर्थ पे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मैं सब कुछ ठीक होने पे आ जाऊंगा। बेन को फिर ग्वेन और केविन खींच